प्रदेश सरकार ने बिजली व्यवस्था सुधार के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने घाटे में चल रहे बिजली निगम को 28,000 करोड़ के कर्जे से मुक्त किया है। बिजली निगम के खुले दरबार में विधायक हरविंदर कल्याण ने दावा किया कि बकाया बिजली बिलों के भुगतान के लिए सरकार की इस योजना से पूरे प्रदेश को फायदा मिलेगा। कल्याण ने कहा कि जगमग योजना के तहत प्रदेश में 2800 गांवों को जोड़ा गया है, जहां पर अब प्रतिदिन 20 घंटे से ज्यादा बिजली मिल रही है। जीटी रोड स्थित रेस्ट हाउस पर उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम करनाल की ओर से खुला दरबार लगाया गया, जिसमें हैफेड के चेयरमैन एवं हल्का विधायक हरविंदर कल्याण ने निगम के SEA के रेजा व निगम के अधिकारी मौजूद रहे। बिजली निगम के इस खुले दरबार में अधिकारी ने उपस्थित लोगों को निगम द्वारा चलाई जा रही बकाया बिल भुगतान योजना के बारे में जानकारी दी और लंबित पड़े बिजली बिलों को इस योजना के तहत अदा करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए विधायक कल्याण ने कहा कि प्रदेश मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए सराहनीय कदम उठाए हैं। उनकी सरकार आने से पहले बिजली निगम पर 32,000 करोड़ का कर्जा था। मुख्यमंत्री ने कर्ज से दबे बिजली निगम को 28,000 करोड़ की राहत दी है। इसके अलावा बिजली सप्लाई को बेहतर करने के लिए जगमग योजना की शुरुआत की और प्रदेश में नए पावर हाउसों का निर्माण किया। मारा गांव जगमग गांव योजना के तहत अब तक 2800 गांवों को जोड़ा जा चुका है और आने वाले समय में इनकी संख्या और भी ज्यादा बढ़ेगी। विधानसभा घरोंडा के गांवों में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए 7 नए पावर हाउस का निर्माण अगले साल तक पूरा कर दिया जाएगा। देखिए, हरियाणा सरकार ने बहुत सी ऐसी स्कीम अभी लागू की है जिससे लोगों को, बिजली उपभोक्ताओं को बहुत लाभ होगा। जहां पहले बिजली की दरों में कटौती की गई है, वहीं ऐसी भी स्कीमें अभी निकाली हैं जिसमें जो जिनका डिफॉल्ट है काफी समय से, वो निपटान की एक बहुत अच्छी योजना हरियाणा सरकार ने लागू की है। तो आज के इस सम्मेलन में सभी जनप्रतिनिधि, जितने भी सरपंच और बाकी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सबका आज ये सम्मेलन इसलिए किया गया है कि उनके माध्यम से ज्यादा लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिले। और आज हरियाणा प्रदेश में लगभग 2800 गांव जो जगमग योजना में चालू हो चुके हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की ये सोच है कि पूरे हरियाणा में 24 घंटे बिजली देनी है, उस दिशा में बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है। जमीनी स्तर पर लोगों को लाभ मिले, उस नाते से आज का ये सम्मेलन बहुत कारगर साबित होगा। और आज इस सम्मेलन में सभी जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है और आम आदमी, आम उपभोक्ता भी आज यहाँ पर आए हैं जो स्कीम का लाभ लेने के लिए, और उनको इन स्कीमों का लाभ मिलेगा। देखिए, पहले से बहुत सुधार आया है। जब हमारी सरकार बनी थी 2014 में, उस समय लगभग 32 हजार करोड़ रुपए का नुकसान में ये डिपार्टमेंट था। और उसके बाद एक बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर इसको माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने स्वीकार किया और 28,000 करोड़ का कर्जा सरकार ने अपने ऊपर लेकर एक रिलीफ विभाग को दिया। और उसके बाद किस तरीके से आधार जो बेसिक जो जितनी भी बातें हैं उसके अंदर सुधार लाने का काम किया। अगर मैं घरोंडा क्षेत्र की ही बात करूं तो यहां पर लगभग 7 नए पावर हाउस अगले साल तक यहां पर बनकर तैयार हो जाएंगे। इसी तरीके से जो मैंने आपको बताया है कि बिजली के बिलों में जो कटौती की है, इसी दिशा में जो नई योजनाएं आई हैं उनका लाभ धीरे धीरे लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो कैंप लगाया गया आज खास तौर पर बिजली उपभोक्ताओं के लिए, किस तरह देखते हैं, क्या फायदा है? ऐसे है, जो बिजली विभाग द्वारा बिल सेटलमेंट स्कीम जारी की गई है, उसका जो फायदा है, उसका जो लाभ है, वह हर रेजिडेंट तक, हर कंज्यूमर तक पहुंचे, ये हमारा मेन मकसद है। और इसके लिए हमें सरपंचों की मदद चाहिए ताकि जो किसी गांव में कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड डिफॉल्टर्स हैं उनकी लिस्ट बना के हमने गांव-गांव पहुंचा दी है। हर गांव में हमने कैंप लगाने का शेड्यूल बना रखा है और उसको पहले से निर्धारित करके कंसर्न जो है सरपंच को सूचित कर लेते हैं। तो मकसद ये है कि बजाय इसके कि भी ग्रामीण जो है वो हमारे कार्यालय में आए और अपना बिल सेटल करें, हम चाहते हैं कि भी हमारी टीम जो है गांव में पहुंचे, वहां के लिस्ट पहले पहुंची हुई है, किस उपभोक्ता का कितना बकाया है और कितना सेटलमेंट स्कीम में उसको पे करना है, ये लिस्ट वहां हमारे सरपंच साहिबान तक भी पहले गई हुई है और हमारे कर्मचारियों को भी दी। हर गांव के ऊपर हमने एक कर्मचारी
छोटा है गांव तो दो क्रम दो गांव के ऊपर एक कर्मचारी, बड़ा है तो एक गांव के ऊपर एक कर्मचारी निर्धारित कर रखा है। उनको इसकी बात की पहले सूचना दे देते हैं कि भी जाके आप वहां हर उपभोक्ता से कांटेक्ट करो, ये सरपंच से टेकअप करो और जो कैंप वाला दिन है उस दिन सबको बुला के और जो बिल सेटलमेंट स्कीम के तहत हैं जिनके बकाया बिल हैं चाहे वो कटे हुए हैं चाहे वो जुड़े हुए हैं वो जमा कराएं और इसका लाभ हर उपभोक्ता तक पहुंचना चाहिए। ये हमारा मकसद था यहाँ पे आ जाने का और सभी सरपंच को यहाँ पे इस बारे में अनुरोध करना।